जबलपुर की धनवंतरी नगर पुलिस की अभिरक्षा से भागे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आदतन अपराधी और इस पर 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। धनवंतरी नगर पुलिस ने बताया कि 16 नवंबर को धनेन्द्र वैश्य ने पुलिस चौकी में घर में हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को कुंडम विकास खंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी बमौरी पनागर में रहने वाला है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है। संजीवनी नगर थाना प्रभारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि आरोपी को एक मामले की शिकायत पर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी को थाने बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान ही आरोपी हथकड़ी सहित फरार हो गया। पुलिस ने समय रहते आरोपी को कुंडम के पडरिया क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक पूछताछ के दौरान एक युवक को लाया गया था और हथकड़ी खोल के भाग गया था, उसको गिरफ्तार किया। क्या कुछ मामला था? हाँ, ये धर्मेंद्र कुमार वैश्य जी हैं। इन्होंने दिनांक 16 तारीख को रिपोर्ट की थी कि इनके घर से किसी अज्ञात चोर ने कुछ ज्वेलरी और कुछ पैसे वगैरह चोरी कर लिए थे, जिनकी रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया था। और विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमने एक आरोपी आइडेंटिफाई किया था और संदेह के आधार पर उसे उस उक्त संदेही को हमारे द्वारा लाया गया था। और पूछताछ के दौरान उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया था अपना कि उसने धर्मेंद्र कुमार वैश्य जी के यहाँ चोरी की है और किसी कारणवश वो उसके थोड़ी सी लापरवाही के कारण वो यहाँ से भाग गया था, जिसे हमने पुनः खोज करके दोबारा पकड़ लिया है। और उक्त अपराध में हम उसके द्वारा विवेचना किए जा रहे हैं और उसके द्वारा जो भी सामान चोरी किया उसके बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ सर, ये कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से मिला है आपको? ये मूलतः रहने वाला लाड गांव नरसिंहपुर घोटे गांव का है रहने वाला, परंतु करीब 10-15 वर्ष से ये बघोड़ी थाना पनागर कटंगी में संभवतः वो आता है गाँव, तो वहाँ पर रह रहा है। ये इसे हमने क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ करके हमने इसे कुंडम के पास पड़रिया गांव है, वहां से हमने इसे गिरफ्तार किया है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड है? हाँ, ये इसके करीब 20 से 22 मामले हैं इसके ऊपर, विभिन्न थानों में इसके ऊपर चोरी के पंजीबद्ध हैं। आतंक चोर है ये। इसके ऊपर नकबजनी का हमारे यहाँ जो अपराध दर्ज है, प्लस इसके द्वारा जो पुलिस अभिरक्षा से भगा है उसमें भी धारा 262 BNS का अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध किया गया है। और आरोपी के प्रकरण में विधिवत गिरफ्तारी करके इसे कल न्यायालय पेश किया जाएगा। भाई साहब, बिजनेस तो आपने खोल लिया, पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना होगा। आप पुराने तौर तरीके भूल जाइए, जमाना बिल्कुल बदल गया है। आप घर बैठे अपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट या ज्वेलरी शोरूम के साथ साथ शॉपिंग मॉल या फिर किसी भी तरह के बिजनेस का जोरदार और धमाकेदार ऑडियो या वीडियो तैयार कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम देंगे आपको बिल्कुल बढ़िया समाधान। जी हाँ, हम हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंट्स एंड पब्लिशर्स। नाम तो सुना होगा। आपके बिजनेस के प्रचार की पूरी गारंटी हमारी। आप हमें व्हाट्सएप करें 7805818606 पर।